top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BinTech, excellence with values. और हमारे देश के अंदर एक तरह से दो तरह की शिक्षा प्रणाली चल रही है. जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजता है, और जिसके पास भी पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजता है. तो पैसे वालों के लिए प्राइवेट स्कूल, गरीबों के लिए सरकारी स्कूल, एक तरह से ये हमारी प्रणाली बन गई थी. और जब गरीबों के लिए सरकारी स्कूल, तो सरकारी स्कूल का कोई माई बाप नहीं था. दूसरी समस्या ये भी हो गई थी कि जानबूझ के सरकारी स्कूलों को धीरे 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 सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया जा रहा था. वो इसलिए क्योंकि कई ऐसे नेता हैं सभी पार्टियों में जिनके अपने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं. वो नहीं चाहते थे कभी भी कि प्राइवेट सरकारी स्कूल अच्छे बने, क्योंकि सरकारी स्कूल अच्छे बन गए तो फिर उनके स्कूलों में कौन जाएगा. तो धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से, मुझे याद है जब हम छोटे बच्चे होते थे या हमारे माँ बाप सारे सरकारी स्कूलों में पढ़ के बड़े हुए, उन दिनों में प्राइवेट स्कूल, कुछ चंद प्राइवेट स्कूल हुआ करते सारे सरकारी स्कूलों में. और उन दिनों में सरकारी स्कूलों से पढ़ पढ़ के ना जाने कितने बच्चे IAS और IPS बने हैं सरकारी स्कूलों से. लेकिन अब धीरे 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 करके ऐसा सरकारी स्कूलों को खत्म कर दिया गया कि धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल इतने ज्यादा हावी होते गए. तो हमारा ये, कई लोग हमें कहा करते थे कॉमन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जी, अमीरों के और गरीबों के बच्चे साथ बैठ के पढ़ सकें, ऐसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए हमारे देश के. तो कई लोग हमें कहा करते थे जी प्राइवेट स्कूल बंद कर देने चाहिए. हम इसमें इससे सहमत नहीं है. हमें ये लगता था प्राइवेट स्कूल चले, प्राइवेट स्कूल का अपना महत्व है, लेकिन हर बच्चे को, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, उस बच्चे को अच्छी शिक्षा देना ये सरकार की जिम्मेदारी है, सबसे पहली जिम्मेदारी है सरकार की. सरकार कुछ कर पाएगी ना कर पाए, रिक्शा वाला जब गरीब से गरीब आदमी का भी बच्चा अच्छी से अच्छी एजुकेशन आपके स्कूल में आके लेगा, तब हमारा सपना असली पूरा होगा. और वो सपना पूरा होता हुआ अब नजर आ रहा है. वो जो पहला सारा अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, अब थोड़ी सी टॉर्च की रोशनी रस्ते की नजर आ रही है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि साल दो साल के अंदर हम इसको अचीव कर सकते हैं. मुझे बड़ी खुशी है आज ये ऐप लॉन्च हो रहा है, इसके जरिए आप सब एस्टेट मैनेजर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है. बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर. जैसा मनीष जी ने बताया, साफ सफाई करने की, स्कूल की, बिल्डिंग की, प्लेग्राउंड की, लाइट की, रोशनी की, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है. और मुझे बताया गया ये ऐप जो है इसमें आप लोग रोज वीडियो डालोगे, रोज 11 बजे ये उप मुख्यमंत्री जी की टेबल पे होगी आपकी रिपोर्ट हर स्कूल की. और 3 महीने के बाद ये पब्लिक में भी, ये ऐप पब्लिक भी देख सकती है कि किस स्कूल में आज कितनी सफाई हुई, किस स्कूल के अंदर कितनी कमी रह गई. 3 महीने के बाद इसको पब्लिक के लिए भी खोल दिया जाएगा. बहुत अच्छी बात है. लेकिन जैसा उन्होंने कहा, असली टेस्ट इस बात का है कि उस क्लास में बैठने वाले बच्चे कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना उनकी पढ़ाई हो रही है, जिसमें सारे प्रिंसिपल्स की जिम्मेदारी बनती है. मैं ये मानता हूं अभी तक व्यवस्था बहुत खराब थी, और एकदम से रातों रात व्यवस्था नहीं सुधर सकती. जैसा भी मनीष जी ने एक स्कूल की बात कही जिसमें जब वो गए तो स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, साफ सफाई बहुत थी, ग्रीनरी बहुत अच्छी थी. वो जो भी स्कूल है, स्कूल के प्रिंसिपल को, स्कूल के स्टेट मैनेजर को, स्कूल के सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं, वो अच्छा मेंटेन कर रहे हैं स्कूल. लेकिन जब वो 10वीं क्लास में पहुंचे और उन्होंने जब ये चीज देखी, ये पुरानी व्यवस्था का हैंगओवर है जो रातों रात नहीं बदल सकता. अभी 2 दिन के अंदर हम ये नहीं सोच सकते कि जो इतने सालों से खराब व्यवस्था थी एकदम से बदल जाएगी. तो पहली जो